हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लाइफ है पार्ट में। और हम बात करेंगे आप आज मुंबई और मुंबई से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के। किसी बीमारी के महामारी घोषित होने का क्या है, मतलब जाने क्या क्या है? क्या क्या बंद, क्या क्या चालू। दिल्ली में 18 से ऊपर वालों के लिए ख़त्म वैक्सीन। केजरीवाल ने कहा टीके न होने के कारण बंद किया जा रहा है वैक्सीनेशन केंद्र। नमामि गंगे और वैदिक गणित यूपी के स्कूलों में अब बच्चे पढ़ेंगे। ट्विकिट से कांग्रेस को घेर रहे पात्रा खुद घिरे ट्विटर का एक्शन। सेनारी नरसंहार पटना हाईकोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी बिहार सरकार। लॉकडाउन खुलेगा या अभी जारी रहेगा सख्त, केंद्र सरकार ने शुभेंदु अधिकारी के पिता को दी वीआईपी सुरक्षा। आई लीग विजेता गोलकीपर उबैद ने जर्सी को नीलाम करके कोविड-19 कोष में दिया दान। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी कोविड-19 के 1.6 करोड़ खुराक। दूसरी लहर में अब तक 400 से अधिक डॉक्टर गंवा चुके हैं जान। दिल्ली में सबसे अधिक मौतें। केस बढ़ रहे हैं, दवा की कमी है। ब्लैक फंगस के मरीजों को राहत के लिए तत्काल उठाए कदम केंद्र सरकार। वैक्सीन और ब्लैक फंगस की दवा की कमी है, पीएम करते ही होंगे थाली और ताली बजाने का बयान। लगातार छठे दिन 3 लाख से कम केस पिछले 24 घंटे में। कोरोना वैक्सीन अपडेट, 40 दिनों में आधा हो गया है कोरोना का टीकाकरण। आदमी की विषाद कुछ नहीं, सत्ता ताकत और पैसे शोहरत अहंकार सब बेकार है। सिर्फ स्टेराइड के अधिक यूज से नहीं, इन वजहों से भी हो सकता है ब्लैक फंगस जाने। जहाज पर आए मुसीबत में कप्तान को करना चाहिए जाने नियम का पालन। नेपाल के राष्ट्रपति ने संसद भंग की और नवंबर के मध्य अवधि में चुनाव की घोषणा। B1617 को भारतीय वेरिएंट बताने वाली सारी पोस्टेड हटाई सोशल मीडिया से। कोरोना वैक्सीन अपडेट, सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा बिना वैक्सीन का स्टॉक किए नहीं लगाया जाएगा टीका। अरविंद केजरीवाल बोले वैक्सीन की कमी के कारण बंद करना पड़ रहा है वैक्सीनेशन केंद्र। तौते के कहर से बरपाने के बाद एक और साइक्लोन देश में दे रहा है दस्तक। सुशील कुमार को पंजाब में होने का पता चला। दिल्ली पुलिस एयर इंडिया के यात्री सेवा प्रणाली प्रदाता पर साइबर हमला। यात्रियों का डेटा लीक। देश में कोविड-19 के टीके 19.32 करोड़ से अधिक खुराक लगाई गई। भारत में रात 11 बजे तक कोविड-19 संबंधित पीटीआई भाषा के आंकड़े। दिल्ली में बादल छाए रहने के अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस रहा। कोविड काल में ट्रांजिस्टर को आर्थिक मदद देगी सरकार। सरकार ने बढ़ाया मदद का हाथ। INS राजपूत को 31 साल की सेवा के बाद नौसेना से हटाया गया। भारत 2021 के अंत तक सभी वयस्कों के टीकाकरण की स्थिति में होगा, डॉक्टर हर्षवर्धन। सोनिया गांधी की ओर से मोदी के लिखे पत्र में जवाब भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी। दिल्ली सरकार की ऑक्सीजन सांद्रक बेड योजना, कोविड-19 के मरीजों को राहत। दिल्ली अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों ने ऑक्सीजन सांद्रक की खेप भारत को भेजी। कोविड-19 मंत्रियों ने जम्मू कश्मीर के मुफ्त टेली कंस्ट्रक्शन सुविधा फिर से शुरू की। वैक्सीनेशन को लेकर राहुल की पीएम मोदी से
ट्वीट कहा, टीकाकरण शुरू करने में देरी क्यों? बेंगलुरु की पटियाला हस्तांतरित हो सकती है ओलंपिक क्वालिफाइंड एथलेटिक प्रतियोगिता। बिहार चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारकों के विमान पर खर्च। यूंदे की कोरोना काल में भी भारत सबसे तेजी से उभरता हुआ